बोलो क्या बात है, तुम अचानक हमें बाहर कैसे निकाल सकते हो? मेरी कोई गलती नहीं है। आज अचानक कुछ अमीर लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने पूरी धर्मशाला किराए पर ली। उन्होंने अपने लोग छोड़कर सबको निकाल दिया, तो बेहतर होगा आप कहीं और चले जाएं। सुनो। हाँ जी मालकिन, जैसा आप चाहती थी सारे कमरे तैयार हैं और हमने सारे मेहमानों को निकाल दिया है। ये इत्र का बक्सा लो और इसे चिल्ड्रन जिन के कमरे में रख दो। इसके औषधि गुणों की वजह से मच्छर परेशान नहीं करेंगे। म्यान म्यान, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो, इसीलिए वो तुम्हें पसंद करता है। ये सब क्या बोल रही हो? देखो तुम चौकन्ना रहना, हमारे मालिक को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। चलो चलकर कमरा देख लेते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। लगता है लैंडलिंग के जिन परिवार से हैं, ये भी सीखने आए होंगे और कई शहर में उतरे हैं। लेकिन कम लोग होने के बावजूद इन्होंने सारे कमरे ले लिए और हमें बाहर निकाल दिया। इस वक्त एक भी धर्मशाला खाली नहीं है, अब हम सब कहाँ जाएंगे? सुनो म्यान म्यान, क्या मुझे एक इत्र की थैली मिल सकती है? कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ओ, इसने बताया। अगर ये तुम्हें नाम से पुकार सकती है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन तुम हो कौन और क्या चाहते हो? बताता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी अपना असली नाम बताना होगा, फिर मैं तुम्हें मियान मियान नहीं बुलाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? दूसरे का नाम पूछने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए। ऐसी बात है, तो फिर मेरा नाम याद रखना। मेरा नाम है युआन डाओ। युआन डाओ? मियान, आखिर मुझे ये तो नहीं पता कि ये किस कुल का है, लेकिन इसके कपड़े देखकर और बातें सुनकर लगता है कि ये बड़े कुल का है। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो ना? क्या हुआ? तुम्हें वो कविता याद है, नदी किनारे उगी है घास? हाँ, इतने दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ मेरे पास। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या देख रहे हो? बेशर्म कहीं की। तो मियान मियान, तुम लैंडलिंग के जिन कुल से हो ना? लोग कहते हैं कि तुम्हारे कबीले की लड़कियां परियों से कम नहीं होती हैं, पर अब तुम्हें देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया है। कितना बेशर्म है। मैं यनमिंग के जियांगकुल से वी युंग हूँ, मुझे वुजान कह सकती हैं। हम गोसु जा रहे हैं, रास्ते में आराम के लिए यहाँ पर रुक गए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आज रात हमें यहाँ पर रुकने की अनुमति दें। ओ, तो युआन डाओ नाम नहीं है तुम्हारा? वैसे वो नाम भी काफी अच्छा था, लेकिन जहाँ तक कमरों की बात है। मिनियन, वैसे भी हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है, बाकी के कमरे भी खाली पड़े हैं और ये लोग हमसे पहले आए थे। तो फिर ठीक है, तुम सब यहाँ रह सकते हो, लेकिन याद रहे हमें परेशानी ना हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तुम जैसा दिल फेंक आशिक ही उन लड़कियों को मना सकता था। दीदी सुना क्या कह रहा है ये युआंग शांग? मैं जानता हूँ कि तुम मेरी होशियारी से बहुत जलते हो। क्या तुम दोनों बिना झगड़े एक दिन भी रह नहीं सकते? लेकिन दीदी, वो जिन कौन है जिसका जिक्र मियान मियान कर रही थी? और कौन हो सकता है, हमारी तरह इंसान होगा और जिन कुल से है। मेरे ख्याल से सबसे छोटा बेटा जिन जीजुआन होगा, और कौन हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सच है कि जिन कुल के लोग हमेशा इतनी शानो शौकत में रहते हैं? साहब मुझे माफ कीजिए, आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको ये कमरा अभी खाली करना होगा। आपका स्वागत है।
क्या ये यहाँ की सबसे बढ़िया सराई है? जी सरकार। लेकिन हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं, कुर्सी ही ले लीजिए। हमारे यहाँ ये चंदन की लकड़ी से बनती है और ये चाय का प्याला सिर्फ हरी चीनी मिट्टी से बनता है। ये चाय ठंडी है। मुझे मेरा कमरा दिखाओ। मेरे साथ चलिए चिल्ड्रन। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। क्या आप भी लैन कूल से शिक्षा लेने घुसू जा रहे हैं? जरा तमीज से बात करो, हमारे मालिक से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। रुक जाओ, क्या तुम भी यहीं उतरे हो? हाँ, हम यहाँ आराम करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस धर्मशाला के सारे कमरे हमारे मालिक ने किराए पर लिए हैं, इसलिए तुम लोगों को कहीं और जाना होगा। लेकिन हम यहाँ पहले आए थे। तो क्या हुआ, तुम्हें जाकर मालिक से बात करनी चाहिए। अब ये धर्मशाला हमारी है और हमारे मालिक यू ही किसी के साथ एक छत के नीचे नहीं रहते। जहाँ तक व्याख्यान की बात है, हर कुल के चुनिंदा लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन छोटे चिलते जिन आप अपने साथ पूरा कबीला लेकर आए हैं, ये दिखावा किस लिए? हम छोटे सरकार के सेवक हैं, समझ गए? ओह, इसका मतलब हमने जो सुना था वो बिल्कुल सच है। मैंने सुना था लान कबीला बहुत सख्त और अनुशासित है, लेकिन छोटे चिलते जिन अपने साथ इतने सारे सेवक लेकर आए हैं, मुझे डर है कि इनके होते हुए कहीं आपको अपनी गर्दन ना झुकानी पड़े। वुशियान, दीदी, मैं तो बस इन्हें प्यार से समझा रहा था। तुमने हमारे मालिक का अपमान किया? क्या जियांग कुल के यही संस्कार हैं? मैंने कब अपमान किया बताइए आप? हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करिए, लेकिन मेरे कबीले को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। वुशियान, चिंग, जा सामान बांधो, हम कहीं और चलते हैं। चिल्ड्रन जिन, अलविदा। मुझे माफ कीजिए मिस जियांग, मैं गलती से यहाँ गया, माफ कीजिए। माफी मांगने का नाटक क्यों कर रहे हो? अब तो सारे कमरे तुम्हारे हैं ना। मैंने आज तक जिनकुल की तहजीब की तारीफ बहुत सुनी थी, लेकिन आज तो सच्चाई पता चल गई। ये जिन जिशुमान आखिर उनको समझता क्या है? हाँ, उसे क्या लगता है कि सराय का मालिक वो है?
मुझे तो एक शराब का प्याला भी नसीब नहीं हुआ। हमारे रहने का ठिकाना नहीं है और तुम्हें शराब की पड़ी है। देख नहीं रहे दीदी कितनी उदास है। पता नहीं जियांग चाचा ने इसमें क्या देख लिया। उन्होंने दीदी की शादी इस नमूने से क्यों तय की होगी। लैन कबीले की परंपरा अनुसार कोई भी बिना आमंत्रण इस व्याख्यान में उपस्थित नहीं रह सकता। देखो दोस्त, मैं हजार बार कह चुका हूँ, गलती से हमारे निमंत्रण पत्र कहीं खो गए हैं। हमने जानबूझकर तो नहीं खोए। चाहो तो तुम किसी से भी पूछ लो, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। देखिए, निमंत्रण पत्र के बिना मैं आपकी पहचान नहीं कर सकता। देखो सूरज ढलने वाला है और तुम हमें रास्ते पर सोने नहीं दोगे, है ना। एक काम करो, तुम जाकर अपने मुखिया को ले आओ। वो मेरी दीदी को जानते हैं, उसे देखते ही उन्हें पता चल जाएगा हम सच बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप सूरज ढलने तक यही इंतजार कीजिए, फिर मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा। सूरज ढलने तक और कितना इंतजार करना होगा। वुशियान, खुद पर काबू रखो। लेकिन दीदी, पिताजी ने कहा था भले कुछ भी हो जाए तमीज से पेश आना। हम यहीं रुकेंगे और इंतजार करेंगे। सरदार, अच्छा हुआ आप लौट आए। यहाँ क्या हो रहा है? वी, ये जरूर लैन का दूसरा बेटा लैन वांगजी होगा, लैन के जुड़वा भाइयों में से एक। ये हमें अंदर ले जा सकता है। ये क्या हो गया? इसे अंदर ले जाओ। इसकी ये हालत किसने की? पता नहीं, जिंदा लग रहा था, लगता है किसी ने जादू टोना किया है। काला जादू? मेरी बात सुनिए लैन, मैं यून मेंग के जियांग कबीले से हूँ। मेरा नाम है जियांग चैंग, ये मेरी बहन जियांग यानली है और ये मेरा भाई वी उजियान है। हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है सरदार। स्वागत है सरदार। हमारे निमंत्रण पत्र खो गए हैं, हम यहाँ रात नहीं गुजार सकते, कृपया हमें अंदर प्रवेश दें। निमंत्रण पत्र नहीं तो प्रवेश नहीं। देखिए, हम यनमेंग से इतनी दूर आए हैं, इतना लंबा सफर करके हम सूरज ढलने से पहले यहाँ तक पहुँचे हैं। एक निमंत्रण पत्र ना होने की वजह से आप हमें रोक रहे हैं, क्या आप इसी तरह मेहमानों का स्वागत करते हैं? निमंत्रण पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। हमारे यकीन कीजिए, गलती से पत्र खो गया, हम झूठ नहीं बोल रहे, कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। तो वो ढूंढो और वापस आओ। ये जाती है, शाम बस होने ही वाली है, हम क्या ही शहर से 20 मील दूर हैं और आप हमें वापस भेज रहे हैं, ये कैसा अजीब नियम है। मेरी मेरी बात सुनिए, हम रात भर यहाँ बैठकर हम यहाँ से जाने वाले नहीं। सरदार ने आपकी बोलती बंद कर दी है, अब सिर्फ वो ही आपकी आवाज लौटा सकते हैं। कुछ देर बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा। ये लैन कबीले के लोग कितने खड़ूस हैं, है ना। हाँ, सही कहा। हमने क्या क्या सोचा था, इससे तो हमारा यन मैन ही बेहतर था। हाँ, सही कह रहे हो। पता नहीं हम रात कैसे गुजारेंगे, यहाँ कितनी ठंड है। दीदी तुम चिंता मत करो, वी निमंत्रण पत्र लेने धर्मशाला गया है, वो जल्द ही लौट आएगा। उसकी चिंता नहीं है,
दीदी, जिन जीजुआन खुद का ख्याल रख सकता है, उसकी चिंता मत करो। दरअसल मुझे डर है कि चिल्डे जिन और वुजियान में कहीं कोई कहा सुनी ना हो जाए। जब तक जीजुआन अपना मुंह नहीं खोलेगा, उसका किसी से झगड़ा नहीं होगा। मुझे लगता है वो उस म्याम म्यान से बात कर रहा होगा, या जो भी उसका नाम है। तुम तो जानते हो वुजियान हर बात को दिल पर ले लेता है, खासकर जरूरी मसले। लान, आप यहां? दीदी शेंग, सब कहां चले गए? इसलिए यहां कोई नहीं है। कोई मामूली जादू मुझे नहीं रोक सकता। क्या इत्तेफाक है ना, हम फिर से मिल गए। वैसे आप इतनी रात को यहां कैसे? नींद नहीं आ रही क्या? देखो लान, मैं अपनी दीदी से मिलने यहां पर आया हूं, और मेरे पास निमंत्रण पत्र भी है, मैं दिखाता हूं आपको। एक मिनट रुकिए। तुम बिन बुलाए अंदर आए हो, तुमने कानून तोड़ा है। क्या? रात को जो यहाँ आता है उसे सुबह तक इंतजार करना होता है। तुमने दो कानून तोड़े हैं, एक तो तुम अंदर आए हो और उसके ऊपर शराब भी लेके आए हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी बात सुनिए, मैं आज पहली बार आपके गुरुकुल आया हूँ, मुझे आपके नियमों की जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे भी दीदी और भाइयों को ढूंढने की हड़बड़ी में ये सब हो गया। अच्छा, आप बस मुझे एक बार छोड़ दीजिए, बस एक बार, ठीक है? इसमें बढ़िया शराब है, मटकी भी आप ही रख लीजिए और मुझे यहां से जाने दीजिए। मुझे रिश्वत देने की कोशिश तीसरा गुनाह। एक बात बताइए, क्या आप हमेशा नियमों का पालन करते हैं? शाम को भी आपने मेरा मुंह बेवजह बंद कर दिया था, इसलिए अब मुझे जाने दीजिए, समझे?
मैंने सोचा नहीं था कि ये मार्शल आर्ट्स में इतने माहिर होंगे। आज मैं काफी थक गया हूं, हम फिर कभी लड़ेंगे। पीछे मुड़ जाओ। क्या? ये क्या है? ये हमारे कबीले के उसूल हैं। इतने सारे? इसे नीचे रख दो। तुम यहां पढ़ने आए हो तो खुद देख लो तुमने कितने नियम तोड़े हैं। देखो, मैं खुश नसीब हूं जो तुम्हारे इस कर्मठ और सख्त कुल में पैदा नहीं हुआ। क्लाउड रिसेसेस में शराब पीना मना है, तो मैं बाहर रुककर यहां बैठकर पी सकता हूं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बदतमीज। जानते हो, हर कुल की लड़कियां हमेशा तुम्हारी तारीफों के पुल बांधा करती हैं, और मुझे तरस आता है। किस बात का? बेचारी लड़कियां ये नहीं जानती कि वो जिसे पसंद करती हैं वो एक नहायत ही खड़ूस और सख्त आदमी है। लेकिन तुम चिंता मत करना, क्योंकि यनमैंग लौटने के बाद मैं उन्हें खुद ही मेरे साथ चलो। चाचा, आखिर ये क्या बला है? पहले कभी ऐसा मरीज नहीं देखा। लगता है ये काले जादू का असर है। वांग जी सिर्फ एक लाश लेकर लौटा है। गुसु के आसपास के कबीलों से शिकायत आई थी। पिछले कुछ दिनों से उनके किसान लापता हो रहे हैं, इसलिए मैंने वांगजी को छानबीन करने भेजा था। और ये आदमी हमारे अनुयायियों में से एक है चाचा। तो काला जादू है चाचा। ये शोर कौन मचा रहा है?
चिल्डेवी, हमारा क्लाउड रिसेसिस लोटस कर्व की तरह नहीं है। हमारे कुछ कानून हैं। तुम यहां नए हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि तुमने कानून तोड़ा है, इसलिए सजा तो तुम्हें मिलेगी। इसे क्या सजा मिलेगी वांग जी, ये तुम तय करोगे। सारे कानून 300 बार लिखो। वांग जी, इसे अपने जादू से आजाद कर दो। तुम्हें तो मैं जीवजन, मेरी बात सुनिए, इन्होंने जो कहा है वो सब झूठ है। ये तो खड़ूस है, इन्हें कुछ भी पूछो जवाब ही नहीं देते हैं। मैं बताता हूं, जब मैं और मेरे साथी शाम को यहां पहुंचे, वो क्लाउड रिसेसिस के प्रवेश द्वार पर, तो हमने देखा कि हमारा निमंत्रण पत्र कहीं खो गया है, पर इसमें हमारी गलती नहीं है, ये सब उस नक चढ़े जिनजिन जुआन की वजह से हुआ है। लेकिन जब हम यहां पर आए तो इसने हमें अंदर आने नहीं दिया, हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए मैं निमंत्रण पत्र लाने वापस चला गया। अब गुसु की शराब तो आपको पता ही कितनी मशहूर है, तो मैं साथ में दो मिनट के लिए करा गया, लेकिन इन्होंने मुझे एक भी घूट पीने नहीं दिया और ऊपर से मटकी भी तोड़ दी। जब मैंने वजह पूछनी चाही तो इन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। चिल्डेवी, देखो तुमने हमारे बहुत सारे कानून तोड़े हैं, इसलिए तुम वांगजी को दोष नहीं दे सकते। और एक बात, तुम्हारी बहन और साथियों को प्रवेश मिला क्योंकि वांगजी ने उनकी तरफदारी की थी। भाई, मतलब मेरी दीदी यहां है? क्या ये उन्हें लेकर आए थे? आप जितने खड़ूस दिखते हैं उतने हैं नहीं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपसे बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूं। देखो चिल्डेवी, अब तुम यहां से जाओ और आराम करो। शिवजन, क्या वो मर चुका है? आपने इसकी लाश को ढक के क्यों रखा है? क्या कहा तुमने? कुछ गलत कहा क्या? क्योंकि जब इन्हें दोपहर में प्रवेश द्वार पर देखा था तब तो ये जिंदा थे। मैंने अभी जो कुछ कहा तुम समझ गई हो ना? जी सरदार, मैं समझ गई। मैं तुम्हारे साथ वेन जाओ को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें क्लाउड रिसेसिस तक लेकर जाएगा। उसके बाद जो करना है तुम्हें करना होगा। एक बात याद रखो, यिन लोहे का टुकड़ा वैसे ही दिखता है जैसे दफन पर्वत पर मिलता है, तुम देखते ही पहचान लोगी। वो ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। लेकिन सरदार, मैं बोलो। मिंग बचपन से मुझसे अलग नहीं हुआ, क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ? तुम्हें लगता है हम यहाँ उसका ख्याल नहीं रखेंगे? बिल्कुल नहीं सरदार। ठीक है, उसे साथ ले जाओ। निंगविन सबसे बिल्कुल अलग है, शायद जांच में वो तुम्हारी मदद कर पाएगा। जो हुक्म सरदार। तुम्हें कल निकलना है, अब तुम जा सकती हो। समझ गई।
आपने देखा, ये मुर्दा लगता है और है भी, लेकिन अभी भी इसका शरीर उस आत्मा के कब्जे में है। हम इसे मुर्दा तो नहीं पकड़ सकते हैं, हो सकता है कि क्या बात है कहना मुश्किल है, लेकिन शायद इसने अपनी आत्मा खो दी है। आत्मा की चोरी? ये कठपुतली है। हाँ, ये कठपुतली की तरह है, वो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। वांग जी, प्रणाम बड़े भैया। वांग जी, किसके बारे में सोच रहे हो? उस आदमी के बारे में जिसकी लाश इस वक्त अंदर पड़ी है। मेरी अभी चाचा से बात हुई, हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन लगता है काले जादू के वजह से ही इसकी मौत हुई है। अगर यह सच है तो वो लोग जरूर कुछ योजना बना रहे हैं, और मुझे तो ये भी लगता है कि किसानों का लापता होना ये तो बस एक शुरुआत है। तो हम क्या करेंगे बड़े भाई? इस वक्त हमें आसपास छानबीन करनी होगी, लेकिन अगर बड़े भाई ये सब छोड़ो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। वांग जी, तुम्हें जाकर लापता किसानों की खोज करनी है, लेकिन याद रखो खतरा मत मोल लेना। जानता हूं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पिताजी के गुजरने के बाद तुम वाकई बड़े हो गए हो। कभी कभी लगता है कहीं मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती तो नहीं बरती। आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं सिर्फ हाथ पटाना चाहता हूं। अच्छा है कि व्याख्यान के दौरान तुम मेरे साथ रहोगे। कई कबीलों के विद्यार्थी कम उम्र के हैं, मैं चाहता हूं तुम उनके साथ दोस्ती करो। सच कहूं तो मुझे वो लड़का वी बहुत अच्छा लगा। हां, कभी कभी उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, लेकिन वो होशियार है और जिंदा दिल लड़का है। वांग जी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो अच्छा योद्धा है? तुम दोनों का सामना हुआ था ना? जुयांग, तुम क्यों हंस रहे हो? सरदार, मैं खुश हूं क्योंकि सारी कठपुतलियां तो सिर्फ शुरुआत थी, ये लोहा तो बहुत कुछ कर सकता है। क्या वाकई? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद इसे आजमा सकते हैं, नहीं तो आप इसकी परीक्षा लेने के लिए इतने किसानों को अगवा क्यों करवाते? जुयांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सवाल करोगे? <laughs>
मैं मौत से नहीं डरता, मैं कायर नहीं हूँ सरदार। इस लोहे के बाकी तीन टुकड़े ढूंढने में मेरी मदद करो और हम सारे कबीलों को जीत लेंगे, तब तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। ये मत बोलिए सरदार, दूसरों पर राज करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो अपनी इच्छा उसी दिन बता दी थी जिस दिन मैं पहली बार आपसे मिला था। उम्मीद है वो आपको याद होगी। चिंता मत करो, एक बार इन लोहे के चारों टुकड़े मुझे मिल गए तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा सरदार। जुयांग, पश्चिमी दफान, पूर्वी कुसु, उत्तरी जुयांग, इस लोहे का आखिरी टुकड़ा कहाँ है? सरदार, आपको हमारे बीच का सौदा याद है ना? जब महाराज ने मुझे टुकड़ा लाने चैंग कबीले में भेजा था, उसके बाद ही आखिरी टुकड़े का पता बताऊंगा।少年郎，明月依旧何来？